निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने से सभी सियासी खेमों में सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रणनीति बनाने के लिए समाजवादी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सपा देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी भी मौजूद रहे। अब आपको वो बात बताते हैं जो सपाइयों की एकजुटता पर सवाल खड़ा करती है। हाजी इकराम कुरैशी ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सबको एकजुट करके गए हैं। प्रेस वार्ता की हुई थी, क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता का? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे और सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव में एकजुट करके गए हैं। पर जैसे ही इकराम कुरैशी को लगा कि वो गलत बोल गए, तो वो तुरंत बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो सपा में कोई गुटबाजी भी नहीं है। वैसे मुरादाबाद जिले में कहीं कोई गुटबाजी नहीं, सारे लोग मेयर प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। इकराम कुरैशी की दूरदर्शिता की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बात को संभाला और एक अच्छे रणनीतिज्ञ की तरह मेयर पद प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी को 50,000 वोटों से जीत की भी बात कह डाली। और हमारा मेयर का प्रत्याशी 50,000 वोट से इंशाल्लाह जीत हासिल। सर, क्षेत्र की आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की आवाम से यही अपील है, इस तरह मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी का घर रहा है, मेयर के चुनाव में भी और निकाय चुनाव में सभी नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी को वोट दें, साइकिल का बटन दबाएं और अखिलेश यादव जी के और मुलायम सिंह यादव जी के हाथों को मजबूत।